अभी तक जिनको विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष कहा जाता है, मैं समझता हूं अब एक अध्यक्ष के रूप में करोड़ों लोगों के दर्द को समझने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में परिचित हो गए। अमित भाई शाह जी का हम लोग यहाँ पे आने के लिए हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका इस दर्द को उठाने के लिए केरल के, और आप आए हुए दिल्ली के तमाम भाइयों बहनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज केरल के दर्द को, जिसको लेकर केरल के लोग भी सड़कों पे हैं, आप लोग यहाँ पे हैं, इसके लिए हमारे पास धन्यवाद के शब्द नहीं है। मैं अपने मंच पे बैठे सभी लोगों के साथ साथ सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दिल्ली की आम जनता का भी, आप जब जब इधर आए होंगे आपने एक बेटी को अपने हाथ में एक पत्र लिए हुए देखा है जिसमें उसने लिखा है, उन लोगों ने न सिर्फ मेरे पिताजी की हत्या की बल्कि मेरे पूरे परिवार को जीते जी मार दिया। आप जब बाई तरफ जो तस्वीरें लगी है वो तस्वीरें भी, को भी लोग किसी माँ के पुत्र थे, किसी पिता के प्यारे थे, आज उनकी सारी तस्वीरें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदरणीय अमित शाह जी के निर्देश पे हमने दिल्ली को देखने के लिए लगाया है। एक साल में जितने लोग केरल में मार दिए गए उनकी भी तस्वीरें लगी है। मैं केरल में हो रहे दर्द को हम लोग दिल्ली के सड़कों पे लेकर है, इसलिए सीपीएम हत्यारी सरकार तिल मिला रही। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप इस दर्द को उसी तरह लेकर सड़कों पे शांति पूर्वक चलेंगे, हम सीपीएम के हेडक्वार्टर तक जाएंगे और आज की इस यात्रा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। मैं चाहता हूँ सीधे अब बिना समय गवाए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे यथाशीघ्र बात करें। आपको इतनी संख्या में केरल के दर्द को लेकर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिएगा मेरे साथ, बंद करो बंद करो ये लाल आतंक, बंद करो, बंद करो।